एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके ग्लो ज़ोन और मैं हूं ममता। फ्रेंड्स, आज जो बात मैं आपसे करने वाली हूं उससे काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। आज जिस बारे में मैं बात करने वाली हूं वो ज्यादातर हर महिला के साथ होता ही होगा। हम महिलाओं को सुंदर दिखने का इतना शौक होता है, इतना शौक होता है ना, सारी दुनिया जाए बाड़ में हमें तो भैया सबसे अच्छा लगना है। ये हर महिला का थॉट होता है। दिल क्या है कि कपड़े तो हम कैसे तैसे डिसाइड कर ही लेते हैं, लेकिन क्या नहीं डिसाइड होता, जिसके लिए हमें सेकंड पर्सन की जरूरत पड़ती है, वो है हमारा हेयर स्टाइल। क्योंकि अच्छे कपड़े के साथ अच्छा जरूरी है, क्योंकि वो ही आपका 80% काम कर देता है। अगर आपका हेयर स्टाइल और आपका जो ड्रेसअप है वो अच्छा होता है तो आपको ज़्यादा फेस पे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, हेयर स्टाइल की, क्योंकि हेयर स्टाइल कई लोग अपने हाथों से नहीं बनाते। तो हेयर स्टाइल के लिए बाहर जाते हैं, बाहर 1,000 से 2,000 रुपये सिर्फ एक हेयर स्टाइल के दे आते हैं। पार्लर वाली गिनती के उसमें क्या चीज़ लगाती है, 100-200 रुपये का जूड़ा का एक जूड़ा लगा देगी, 5-10 रुपये की वो क्लिप्स होती हैं जो पिन्स होती हैं जूड़ा की, वो लगा दिया, और 1-2 एक्सेसरीज लगा दी, हेयर एक्सेसरी और एक स्प्रे कर दिया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का खर्चा भी नहीं होता होगा उनका, 2,000 रुपये। किसी अच्छे पार्लर में आप जाओगे तो आपको 2,000 रुपये तो मतलब मिनिमम है वहाँ का, क्योंकि एसी में बैठ के भैया तुम जूड़ा बनवाओगे तो तुम्हें 2,000 रुपये देने ही देने। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी बहुत होती थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे इससे कटना। चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने परचेज की, जिसकी वजह से मेरा अब ये 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा बच जाता है और इससे मैं फिर नई कोई चीज़ ले लेती हूँ। तो आज आप लोगों के साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मे बी आप लोगों को भी पसंद आए और आप लोग भी अपने इन्हीं चीज़ों की वजह से अपने काफ़ी पैसे सेव कर पाए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले है ये मेरे पास एक इस तरीके का जूड़ा, ये है, पूरे बाल कर्ल हुए पड़े हैं और ये लास्टिक है। ये सबसे इजी होता है जब भी आप स्टार्ट करते हैं बनाना, तो आप इसको ले सकते हैं। सबसे इजी यही होता है, आप अच्छी सी अपनी एक पोनीटेल बनाएं, उसको अच्छे से जूड़ा बनाएं, मतलब, और उसके बाद एक रबड़ और लगानी है, मैं जस्ट रफली बता रही हूँ, और इसको इस तरीके से इस पर फिट कर दो आप, तो ये बहुत ही सुंदर सा आपका एक जूड़ा बन जाता है, बहुत ही प्यारा सा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके का जूड़ा आप बना सकते हो, बहुत ही इजी है ये और बहुत सस्ता भी आता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा, बड़ी शॉप पे नहीं बता रही हूँ, नॉर्मल जो लोकल शॉप्स होती हैं उन पर आपको 50-60 रुपये का ये मिल जाएगा। सेकेंड है ये डोनट, ये डोनट है जो, ये भी बहुत अच्छा जूड़ा, ये आपके असली बालों का ही इतना प्यारा जूड़ा बना देता है। इन सब की अलग अलग वीडियो भी मैं कोशिश करूँगी अपने चैनल पे डालने की, बट फिलहाल आज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एक्सेसरी शेयर कर रही हूँ। तो ये इस तरीके का डोनट है, इससे भी काफ़ी अच्छा जूड़ा और काफ़ी वॉल्यूम वाला जूड़ा आपका बन जाएगा। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ जूड़े की ना, एक ये जूड़े की एक्सेसरी मैंने ली थी, इसके बाद मुझे जूड़े में कुछ और लगाना नहीं पड़ता है। जूड़ा बनाती हूँ, जस्ट छोटा सा जूड़ा मेरे जो असली बाल है उनका, और उसके बाद फिर उस पर इस तरीके से अंदर नेट और लास्टिक दी हुई है, इससे उस जूड़े को ढक के जस्ट पिन लगा देती हूँ, इसमें कवर कर लेती हूँ अच्छे से, और ये इस तरीके का लुक देता है, बहुत ही सुंदर लगता है लगा हुआ, और रेड एंड वाइट साड़ी का कॉम्बो है तो उस पर और सुंदर लगता है। फिर है ये जूम, ये क्या है, ये जो है इस तरीके से आपकी चोटी का लुक भी दे देता है, ओके। और अगर आप इसको इस तरीके से रोल करके अपने जूड़े के ऊपर लगाओगे, मतलब जूड़े के ऊपर ही रोल करना होता है इसको, तो ये आपको अच्छे सा एक जूड़े का लुक भी दे देता है, ओके। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी अब तक की, और ये मैंने अभी लेटेस्ट ही मंगाया है। सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इससे दोनों आपके पर्पज़ सॉल्व हो रहे हैं, आप छोटा सा जूड़ा बना के उसके ऊपर इसको पिनअप कर लेंगे तो आपकी इस तरीके से चोटी भी बन जाएगी इससे, ओके। तो एक ये हो गया, बाद में आती है कभी कभी हम पटियाला सूट पहन लेते हैं, पंजाबी सूट पहन लेते हैं, लुक देना होता है पंजाबी, तो इस तरीके की आपके पास नकली बाल की एक चोटी होनी चाहिए जो कि आप अपने असली बालों में लगा के अपनी चोटी दिखा सके कि देखो जी पीछे पीछे होना मेरी चाल भी ना आए तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। नीचे परांदी भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे परांदी इतनी कुछ खास पसंद नहीं आती है तो इसलिए मैंने परांदी नहीं ली हुई है, ठीक है। फिर है, अब कई लोगों को शौक होता है आजकल जैसे पफ बनाने का वह जैसे तरीका तो बहुत पुराना है, लेकिन आज की डेट में भी कई लोग जो होता है पफ बनाना पसंद करते हैं, पफ या पूफ जो भी आप लोग कहते हैं उसको, ओके। तो उसके लिए इस तरीके का बम्पेट आता है, इस पैकेट में था ये, खैर ठीक है मैंने अभी निकाला ही, तो ये इस तरीके का आता है,
ठीक है, इसको आप यहाँ रखो, इसके ऊपर से अपने बालों को ऐसे करो तो ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दे देता है आपके बालों को, काफ़ी अच्छा लगता है बालों पे लगा हुआ भी। ओपन हेयर स्टाइल अगर आपको करना है, गाउन वाउन पहन रहे हो ओपन हेयर स्टाइल करना है तो इसको यहाँ पे सेंटर में लगाना और ऐसे करके इसके ऊपर से अपने बालों को लेके जाना, तो ये इस तरीके का वॉल्यूम दे देगा आपके बालों को। ठीक है, मतलब वो बैठेंगे नहीं, बाल पफ बनाते हैं हम, नॉर्मल पफ बनाते हैं तो फटाफट बैठ जाते हैं ना बाल, तो ये बैठेगा नहीं। उसके बाद अब क्या बचा, कुछ एक्सेसरीज और दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने एक ये गजरा भी लिया हुआ है, एक तो मैंने ये लिया हुआ है जिससे मुझे एक्स्ट्रा और कुछ ना लगाना पड़े, वैसे ही मैंने एक गजरा लिया हुआ है। इस गजरे को आप अपने जूड़े में इस तरीके से लगा सकते हैं, बांध सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है, लगाओ बहुत सुंदर। ओके, और है कुछ इस तरीके की एक्सेसरी, ये पूरा पैकेट ही है, 8 है इसमें, हाँ 8 का कॉम्बो है। इस तरीके की पिंस है, तो ये पिंस भी बहुत काम आती हैं, ओपन हेयर स्टाइल अगर आप कर रहे हैं तो भी काफी अच्छी लगती हैं लगी हुई। ये देखिए अगर विजिबल हो रहा है तो, ओके इस तरीके की पिंस, जो भी आपको अच्छी लगे, छोटी बड़ी जैसी भी आपको अच्छी लगे वैसे आप ले सकते हैं। जैसे पहले मेरे पास इस तरीके की थी कुछ, बट ये खो गई, 2-3 ही बची हैं, ये देखो, ठीक है, इस तरीके 2 ही बची हैं, 3 भी नहीं है, 2-3 ही बची हैं। तो पहले मेरे पास इस तरीके की थी, अगर आप छोटी पसंद करते हैं तो छोटी ले लीजिए 4-5, तो इनको कॉर्नर पे लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। और अब तो बड़े बड़े का फैशन है तो इसलिए मैंने ये ले ली, इस बार ये वाली मंगाई। और आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होनी चाहिए खूब सारी जूड़ा पिंस के भी अलग अलग साइज़ होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास है ये अलग अलग साइज़ की जूड़ा पिंस है, अलग अलग साइज़ की मेरे पास टिक टैक पिंस है। इनसे आपके बालों को टक इन करने में और आपकी जो एक्सेसरीज है उनको लगाने लगी, तो ये अलग अलग साइज़ के आपके पास होने चाहिए। सिर्फ इतना ही सामान होना चाहिए, ठीक है, जैसा आपको बनाना है। जैसे मान लो इस बार आपको जूड़ा बनाना है तो अपने जूड़े की कोई एक्सेसरी मंगा लो, ऐसे करते करते आपके पास काफ़ी सारा और काफ़ी अच्छा कलेक्शन जुड़ जाएगा। आज की डेट में मुझे अपना हेयर के लिए कभी भी बाहर नहीं जाना पड़ता है कि मैं बाहर से जूड़ा बनवाऊँ, ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। चोटी बनानी है खुद ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप मंगाओ, प्रैक्टिस करो और फिर देखो कमाल, हस्बैंड भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। सो यही था मेरा आज का वीडियो, पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।